एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे लाल मट पत्ते की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम मसालों में बन जाती है। कोई मसाला पीसना नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको पसंद रेसिपी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। इसके बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेंगे और कौले जो डंठल है वो भी तोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने सब तोड़ के रख लिया है। अब इसे धोकर अच्छी तरह से बारीक कट कर लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें 1 बटाटा क्यूब में कट किए हुए ऐड कर देंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने देंगे। आलू ब्राउन होने के बाद इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। उसी ऑयल में 1 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच जीरा और 1 बड़ा प्याज है कटा हुआ, स्लाइस में कट करके रखा था, वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च चॉप की हुई है, 3 से 4 हरी मिर्च है। अच्छी तरह लाइट ब्राउन होने देंगे और साथ ही लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, सूखी हुई लाल मिर्च है। लाइट ब्राउन होने के बाद इस 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और उसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर भूनने के बाद इसमें 3 कटे हुए चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर भून जाने के बाद इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची डाल के अच्छी तरह 1 मिनट के लिए चला लेंगे। इसमें कट करके रखी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। बस सब्ज़ी को अब 1-2 बार मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, खुले में, ढक्कन नहीं ढाकेंगे। ये देखिए सब्ज़ी में कितना पानी है, इसे पूरी तरह ड्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ड्राई हो चुका है पूरा पानी और ऑयल भी दिखने लगा है। इस तरह से पूरी तरह ड्राई कर लेना है और इसका कच्चापन भी चला जाएगा जब तक इसे थोड़ा भूनना है। अच्छी तरह भून जाने के बाद इसमें फ्राई किए हुए आलू भी हम ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं चपाती के साथ। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।